साई सोनीपत वर्सेस मिनी स्टेडियम कटोरा टीम का मैच आपके सामने। समस्त ग्रामवासियों ने यानी कड़ा मुकाबला लगने की संभावना है। साई सोनीपत की टीम लखनऊ मजरा केंद्रीय टूर्नामेंट चला हुआ है, जिसका फर्स्ट प्राइज 71,000 रुपये, सेकंड 41,000 रुपये है। ज्यादा से ज्यादा टीम आई हुई है, करीब 70 टीमों ने हिस्सा लिया है। काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन हो रहा है। अभी आपको ये मैच दिखाएंगे, कटोरा मिनी कटोरा वर्सेस साई सोनीपत। मिनी कटोरा रेड रेड पर, साई सोनीपत के पड़े में। ये मैं सारे आदमी जो एक नंबर ग्राउंड के ऑफिशियल है, सभी जितने भी पांच छह सात आठ आदमी एक ग्राउंड पे दे रखे हैं ऑफिशियलिंग के लिए, 15-20 आदमी आए हुए मेरे भाई। तो अपना काम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, 11 नंबर जर्सी में जिम्मेवारी समझ के काम करो भाई। ठीक है, ऑफिशियल तत्परता दिखाएं जी, ताकि ये आयोजन समय पर संपन्न हो सके। बहुत अच्छा चल रहा है, इसी तरह से सफलता पूर्वक आगे बढ़ता रहे। कथुरा का रेड रेड पर 7 नंबर जर्सी में दीपक। ये दर्शकों से फिर निवेदन बराबर है जी, स्टेज के सामने बैठ जाया करें। हमारे बीच में भाई विकास नितिन रेड विकास आम आदमी पार्टी और समाज सेवी और हमारा भाई काला मुंडिया और इनको एस्कोर्ट करने जाएंगे राम राजकुमार और मास्टर विजेंद्र जी और ढोल नगाड़े से साथ भाई का मान सम्मान और भाई आपका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने अपना कितने समय निकाल कर दखल मजरा की पावन धरती में और भाइयों के साथ आप आए हुए हमें आपका पदार्थ पर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ये दोनों टीमों को ये एक नंबर ग्राउंड के ऑफिशियल प्लीज थोड़ा एक बार दोनों टीमों को लाइन अप कर दो मेरे भाई, एक बार लाइन अप कर दो। और अभी इंट्रोडक्शन के लिए जाएंगे हमारे भाई विकास मेहरा जी, दोनों टीमों के साथ इंट्रोडक्शन होगा। एक नंबर ग्राउंड पर उसके लेके जाएंगे रिंकू पहलवान रामवीर शास्त्री अकेडमी हमारा खिलाड़ी और साथ में काला और भाई और मास्टर विजेंद्र जी, एक बार सभी साथ में भाई को लेके जाओ और खेलो। ये भाई ने बहुत ही अच्छा काम कर रखा है और ये भाई आप ग्राउंड पर ही रहे और ग्राउंड नंबर एक पर जो मैच है इसके बाद जो मैच है ऑपरेटर के द्वारा बोनस प्लस वन वो दोनों टीमें तैयार रहे। नॉर्थन रेलवे वर्सेस पाई स्टेडियम, नॉर्थन रेलवे वर्सेस पाई स्टेडियम, दोनों टीमें वार्म अप होकर ग्राउंड के नजदीक आ जाए। विकास नेहरा अपने साथियों के साथ और क्लब के मेंबर्स के साथ टीम से इंट्रोडक्शन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरा साहब ने बहुत अच्छा टाइम निकाला और बहुत मिलनसार अच्छे आदमी, अच्छे स्वभाव के, सरल स्वभाव के नेता है और प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के यहाँ से शुभकामनाएं देते हुए और सभी खिलाड़ियों से प्रीत लेते हुए फोटो के लिए तक पता रखे जी। फोटो वाला साथी बोनस की ट्राई, हाँ वहीं पे तस्वीर ले ले और ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। लाखौजन का इस खेल मेले का लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन भी चला हुआ है। ये टीमें इस कार्यक्रम को 4 साल लगाने के लिए सारे कमेटी वाले बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं भाई। और ये जितने भी स्टेज के सामने भाई खड़े हैं
इनसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, यहाँ पे बैठ जाओ, ये थोड़ा साइड हो जाओ मेरे भाई, ये स्टेज पे जो हमारे अतिथि के भाई आए हुए हैं इनको भी थोड़ा मैच देखने का मौका दे दो भाई। हेलो, ये दो नंबर और एक नंबर ग्राउंड पे ये जितने भी स्टेज की साइड भाई खड़े हैं बैठ जाओ। अच्छा का डिफेंस बोलना सोन स्टेज के सामने जितने भी खेल प्रेमी हैं प्लीज आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। ये स्टेज के सामने हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं, तो कृपया वॉलेंटियर से भी निवेदन है कि उनको थोड़ा सा साइड करें। ये ठीक सामने से प्लीज, ये सामने से या तो बैठ जाइए, या तो बैठ जाइए सर, या थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ यस, जाबाज बैठ जाइए। आपको जानकारी के लिए बता दें, इस टूर्नामेंट में दोनों तरफ से ग्राउंड वन ग्राउंड टू पर पांच नंबर राहुल और पांच नंबर आशीष इसी लाखन माजरा इसी ग्राउंड के प्लेयर हैं। दोनों राहुल और आशीष भाई के अंदर बहुत ही चोटी के प्लेयर हैं। राहुल और सोनू को आपका जानकारी के लिए बताएं, संजय दैया द्वारा 2 साल के लिए 5,000 रुपये महीना आर्थिक तौर पर मदद किया खुराक के लिए, और 51,000 रुपये वहाँ अपने टूर्नामेंट में अपना सहयोग दिया है। तो मैं संजय भाई संजय दहिया जी का हृदय से स्वागत करता हूँ कि खिलाड़ियों के लिए इतना कुछ सोचते हैं। और एमपी साहब कमर पाल जी हमारे इस ग्राउंड के लिए सांसद कोटे से 11 लाख की घोषणा करके गए हैं, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे बीच में आम आदमी पार्टी महम हल्का से प्रत्याशी विकास नेहरा, उनके साथी भाई दलबीर सिंह काला मुंडिया उनके साथ आए, हम उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। और अपने क्लब की तरफ से, गांव की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें क्लब का, तो श्री विकास नेहरा जी जल पान ग्रहण करने के बाद हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। ये शानदार खेल मेरा शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब लाखनमाजरा की तरफ से सारे युवाओं का बहुत 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 तगड़ा प्रिया। इस भी है
घूमने के हित में है। खिलाड़ी ग्राउंड पे खेल ग्राउंड पाने से पहले अपने जूतों को अच्छी तरह रगड़ के साफ करके आए ताकि रेत ग्राउंड पे ना हो, ताकि रेत आने से फिर फिसलन हो जाती है और चोट की संभावना बढ़ जाती है। ग्राउंड पे पानी के जो कैंपर है वो भरे रखे जी, ग्राउंड पे पानी के कैंपर भरे रखे और ध्यान रखे। कमेटी वाले बहुत बढ़िया नौजवान है, सेवा में जुट रहे भाई। और भाई सभी टीमें ध्यान दे आगे के मैच सुन ले। ग्राउंड नंबर एक पर जो मैच होगा पाई स्टेडियम वर्सेस नॉर्थन रेलवे, तैयार हो जाए दोनों टीमें। ग्राउंड नंबर दो पर जो मैच होगा निजामपुर वर्सेस महारा, निजामपुर वर्सेस महारा, तैयार हो जाए दोनों टीमें। ग्राउंड नंबर एक पर सही टीमें ग्राउंड के नजदीक रहे, सब पिक्चर पूरा तैयार हो चुका है। जिस भी टीम का मैच बने वो तुरंत ग्राउंड पर पहुंचे, सभी टीमें ग्राउंड के नजदीक रहे। बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है इस समय। और जैसा कि ग्राउंड नंबर एक के बारे में बताया कि भाई आशीष और राहुल ग्राउंड लाखन माजरा के दो ऑनर देते हैं, खिलाड़ी हैं इस टीम का हिस्सा है राहुल लाखन माजरा। 8-10 का स्कोर हुआ था, सोनीपत की तरफ से 40 मैच होने हैं। भाई ग्राउंड नंबर एक के जो अगले दो मैच होने हैं वो चारों टीमें तैयार हो गए ग्राउंड नंबर एक के नजदीक रहे। ये अच्छा डिफेंस खेलता हुआ, स्कोर इक्वल दोनों टीमों का। इस मैच के बाद ही मैच है और उसके बाद सेकंड मैच ग्रीन आर्मी वर्सेस बुटान। साई सोनीपत के ये जो चार टीमें हैं दो मैच हैं ये ग्राउंड नंबर एक के हैं। बहुत ही ग्राउंड नंबर दो का जो अगला मैच होगा निजामपुर वर्सेस महारा और उससे अगला मैच रैडा कैथल वर्सेस नांदा। तो ये चारों टीमें ग्राउंड नंबर दो के लिए तैयार रहे। और जितने भी ये साथी ग्राउंड के स्टेज के सामने जो खड़े हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप सभी कबड्डी प्रेमी हैं, आप कदर करते हैं, लेकिन आप स्टेज पर विराजमान हमारे अतिथिगण सम्मानित साथी इनका भी थोड़ा ध्यान रखे कि ये भी अपना मनोरंजन कर ले। बोनस प्लस 3-4 सुपर रेड लगा दी साई सोनीपत की तरफ से और ये फिर से प्रो स्टार रेड रेड पर। मैं क्लब की तरफ से निवेदन करता हूँ कि श्री विकास नेहरा जी दो शब्द हमारे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए और हमारा मार्गदर्शन करें और क्लब से भी निवेदन है कि उनके मान सम्मान की भी तैयारी करें। और श्री विकास नेहरा जी बहुत ही अच्छा डिफेंस खेलता हूँ। मान व सम्मान के योग्य लाखन माजरा गांव की दो के डिफेंस में पावन पर भूमि पे मौजूद सम्मानित हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी गंगा से भी पवित्र मेरी माताएं बहने बहुत जबरदस्त आयोजन इस खेल कमेटी के द्वारा करवाया जा रहा है और अभी हर रोज खेल प्रोग्रामों में जाते हैं लेकिन इतना जबरदस्त और एक भव्य प्रोग्राम लाखन माजरा की भूमि पे करवाने के लिए यहाँ की खेल कमेटी को मैं धन्यवाद दूंगा और भाइयों का प्रशंसा भी करूंगा कि इतने जबरदस्त खेल अपनी और मैं आपका भाई आप सबका बेटा होने के नाते अपने रूप से प्रयोग के रूप में आपके छोटे भाई के रूप में हेलो टू ऑल इन
मधुरा की टीम भाई चक्राज यहाँ मेहनत करवाते हैं नौजवान साथियों की। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 100 खिलाड़ी प्रो कबड्डी के जो यहाँ पे गेम के अंदर पहुंच चुके हमारे लिए भी और खेल कमेटी के लिए भी और पूरे गांव के लिए भी पूरे समस्त हरियाणा से आए हुए खेल प्रेमी और कबड्डी प्रेमियों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। आप सबका यहाँ पहुंचने पर मैं बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और खेल कमेटी खेल आयोजन की तरफ से सब भाइयों ने जो मेरे को इतना मान सम्मान दिया आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम राम जी। बहुत बहुत मेहरबानी आप सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास मेहरा जी ने खेल और खिलाड़ी के जीवन के बारे में बताया। सभी साथियों का स्वागत भी किया। और अब हमारी खेल समिति एक फटके के साथ और एक समृद्धि चिन्ह के साथ विकास मेहरा जी का स्वागत सम्मान का सत्कार कर रही है कि आप यहाँ पर पहुंचे हमारे लिए बड़ा सौभाग्य रहा। बलबीर रूप कार्यक्रम दिया उनका भी हमारी खेल समिति स्वागत सम्मान कर रही है समृद्धि चिन्ह के साथ। आप भी हमारे टूर्नामेंट को 4 साल लगाए हैं। 4 के लीड थे, 4 के लीड थे। और आगे एक के रह गए। एक शिष्टाचार के माध्यम से टूर्नामेंट समापन करवाना है। ऐसा ना हो कि कोई टीम थर्ड रेड और फिर आपको दिक्कत हो तो आपसे भी निवेदन करते हैं आप समय से ग्राउंड पर रिपोर्ट करें। टाइम स्टेडियम और नॉर्थन रेलवे लास्ट और फाइनल को और इससे अगला मैच ग्रीन आर्मी वर्सेस भूटान हमने एक ग्राउंड की 4 टीम ऐसे ही बोली थी कोई टीम स्क्रैच करनी पड़ जाए तो आगे भी मैच बिल्कुल तैयार रहे। अगर जो पाई स्टेडियम और नॉर्थ रेलवे की टीम 30 सेकंड में ग्राउंड पर नहीं आती है तो फिर अगला मैच करवाया जाएगा ग्रीन आर्मी और भूटान वो टीम भी तैयार होकर आ जाए। ग्राउंड नंबर 2 पर निजामपुर वर्सेस महारा तैयार होकर पहुंची। और दूसरा मैच रेड़ा कैथल वर्सेस नांदा सोलह इक्कीस का स्कोर शाही के पक्ष में। ये सभी खेल प्रेमियों को अवगत करा दें कि हमारे गांव लाखन माजरा में कबड्डी को उठाने के लिए तो काफी समय से काफी महानुभाव ने प्रयास किया। रमेश पहलवान बलदीप पहलवान हमारे बीच में नहीं है और जय भगवान मास्टर जी इन्होंने कबड्डी को ऊपर उठाया। बट इसको 4 चांद लगाने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान अनिल राठी जी और इस ग्राउंड पर चमकाने के लिए रिंकू पहलवान जी रिपोर्ट करें मंच पर और इस ग्राउंड पर खिलाड़ियों के प्रतिभा चमकाने के लिए रिंकू पहलवान राजवीर इन सभी ने बहुत सहयोग किया और आज ये आयोजन सफल आयोजन अनिल हमारे छोटे भाई प्रधान जी भाई नॉर्थन रेलवे की टीम ग्राउंड पर जल्दी रिपोर्ट करें। नॉर्थन रेलवे देखिए पाई स्टेडियम आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी अच्छा बैक टैकल। ये आपको बता दे कि हमारे बीच में आए इस कार्यक्रम के मुख्य विशेष अतिथि श्री विकास नेहरा जी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महमलका से इन्होंने हमारे बहुत अच्छा सहयोग किया। 33,000 रुपए हमारे क्लब को दिए हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और परम पिता परमात्मा से उम्मीद करते हैं प्रार्थना करते हैं इनकी मनोकामना पूर्ण हो और पब्लिक इनका साथ दे और अच्छी पार्टी से बिलोंग करते हैं और अच्छे इंसान हैं और खेल के बारे में हमें बहुत कुछ सुना इनके बारे में। जहाँ पे भी खेल मेले लगते हैं ये बढ़ चढ़ कर अपने आप हिस्सा लेते हैं।
हम खिलाड़ियों के लिए हम एक तरह से हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं इन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी क्लब की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, और साथ में उनके साथी हमारे गांव के ही ये काला मुनिया, ये भी एक अच्छे समाज सेवी है। इन्होंने हमारे से इनका परिचय करवाया और हमारे बीच में लेकर आए। इनका भी मैं अपनी क्लब की तरफ से, गाँव की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाई देखिए, नॉर्थन रेलवे की टीम काफी समय से ग्राउंड पर नहीं आई है। मैं समिति से निवेदन करता हूँ कि आप अपना डिसीजन दें। काफी समय हो चुका है नॉर्थन रेलवे की टीम ग्राउंड पर नहीं आ रही और पाई स्टेडियम की टीम काफी समय से इंतजार कर रही है। नॉर्थन रेलवे की टीम को 30 सेकंड का समय दिया।